ज्ञान पब्लिकेशन है, अपना किताब निकाला है बीपीएससी टीचर भर्ती निकालने के लिए। तो क्लास हम 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं, ज्ञान पब्लिकेशन के किताब के प्रैक्टिस सेट को। तो इस वीडियो में हम 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, चैनल पर बने रहें, लास्ट तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत मान 14 है, अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा। देखिए एवरेज निकालते कैसे, कोई नंबर हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सबको प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय, मान ली 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 होता है, ये इसका औसत निकलता है। ठीक है, तो मतलब समेशन ऑफ नंबर, जो नंबर है उसका समेशन क्या हो जाएगा, कोई औसत, ये जो औसत आया इंटू 3। ठीक ना, तो ऐसे ही कर देंगे इसको। 8 संख्याओं का औसत मान 14 है, तो मतलब टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 संख्या जो 1 2 3 4 सबकी प्लस करने पर सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 × 8 112 आ जाएगा। ठीक ना, अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का कितना होगा, तो 6 संख्याओं का औसत मान कितना है 16, तो 6 × 16, तो 6 × 16 कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1696। तो बचे हुए 2 संख्या हो गए, मतलब यहाँ पे कितना 6 संख्या को सम कर रहे थे, यहाँ पे आप 4 संख्या को सम करें, तो बचा 2 कोई संख्या, उसका समेशन कितना हो जाएगा, इस दोनों के माइनस, उस दोनों नंबर का समेशन कितना, इस दोनों का माइनस हो जाएगा 4 16 आ जाएगा, मतलब 16 उस दोनों नंबर जो बचा है, 2 संख्या जो बची है, वो दोनों का समेशन 16 आ रहा है। ठीक ना, 2 नंबर पर हमें क्या बोलना, औसत निकालना, तो 16/2 करना पड़ेगा, 2 संख्या है और 16 उस दोनों का समेशन है, जो ऐड है, योग है, 8 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, 6 × 1 = 4 का कितना प्रतिशत, 5/2 × इतना आ जाएगा। ठीक ना, देखिए क्या बोला, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालते कैसे, मान लीजिए कितना, मतलब x, तो x परसेंट ऑफ का मतलब कि, मतलब इंटू 6 × 1 = 4 ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक ना, कहने का मतलब 6 × 1 = 4 एक्स परसेंट था यहाँ पे, x/100 उसको लिख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, बाई 100 इंटू ये कर देते हैं, ये बराबर कितना आता है, 5/2 × 2 = 4 100 से 100 कट दिया, और देख क्या, आप देखिए ये 4 है 4, तो लास्ट में 16 आ रहा। ठीक है, 6 × 4 = 24 यहाँ पे दिख रहा है, 4 मतलब ये देखने से लग रहा है कि भाग हो जाएगा 4/4, ये दोनों 4/1 में कट जाएगा, ये 6 × 1 = 4 और ये 4 में कट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, एक्स मतलब कितना परसेंट हो गया, 10% होगा, 10% हो गया। और यहाँ पे ये जो इंटू किए, इसको एक बार चेक कर लीजिए, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत ही सिंपल है, देख सकते 4 × 2 = 16 हो गया, बहुत सिंपल सा है, 6 × 4 = 4 × 4 = 16, 14 × 6 = 96 + 97 14 × 56 = 57 हो जाएगा, 6 × 4 = 24 देखिए आ गया, ये एक बार में आ गया, तो ये सब हो जाएगा, वो सब नहीं, एग्जाम में करके करना है, सही जो कब बनाना है सही बनाना है तो निकलेगा एग्जाम। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, अगर वह 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, देखिए अगर वह 178 पर प्राप्त करता हो, 22 नंबर उसको ज़्यादा आ गया, अनुत्तीर्ण हो गया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल कर गया, वो फेल कर गया भाई ये आदमी, तो मतलब कितना उसको आना चाहिए था, 178 + 22 आना चाहिए था पास करने के लिए। ठीक, 178 + 22 इतना नंबर आता तो पास कर जाता, मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 200 नंबर, और ये कितना है, 40% हमको पास करने में लगे, तो मतलब टोटल मार्क्स मान लीजिए 40 x है, तो 40% टोटल मार्क्स का x का ये पासिंग मार्क्स है, और ये कितना दे रखा है, 200 इक्वल टू 200 कीजिए तो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 40 × 5 हो गया 5, x कितना हो गया, 500 नंबर टोटल, मतलब 500 है, 500 का 40 निकालिए,
200 नंबर आ जाएगा। तो यही है 500 टोटल मार्क्स, आपको टोटल मार्क्स निकालना था। चौथा क्वेश्चन है किसी आयत का परिमाप, किसी आयत का परिमाप रेक्टेंगल का परिमाप हमें निकालना है। अगर पेरीमीटर इतना दे रखा है और उसका क्षेत्रफल इतना है तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए मतलब टू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लंबाई चौड़ाई दे रखा है आपको 82, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 41। और 400 दे रखा था, एल इंटू बी दे रखा है 400, इसके किसी का इंटू इतना आ रहा है और किस प्लस इतना आ रहा है, ठीक ना। तो एक बार एक सेकंड, कितना नंबर है ये, ठीक ना। तो एक फार्मूला होता है मैथ में, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या मतलब एल माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल प्लस बी का होल स्क्वायर एल प्लस बी माइनस फोर ए बी, ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपका एल माइनस बी, तो यहाँ से एल माइनस एल प्लस बी आपका 41 स्क्वायर था। 41 स्क्वायर कितना होता है कीजिए, 41 1681 आ जाएगा, 1681 माइनस ए बी कितना है 40, 40 इंटू जो है 1600 इसका रूट, तो रूट 81, रूट 81 9 होता है। तो एल माइनस बी आ गया आपका, एल माइनस बी आ गया 9, एल प्लस बी कितना था 41। दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको क्या पूछ रहा है चौड़ाई, चौड़ाई पूछ रहा है मतलब ब्रेथ पूछ रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए दोनों को, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस टू बी इक्वल टू माइनस 41 हो जाएगा माइनस 32, तो बी इक्वल टू 16 मीटर इसका आंसर है। 23 56 और 49 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, आपको क्या निकालना है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 23 दुनी 23 तो सब में आएगा, ठीक ना, उसमें कोई कॉमन है नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसमें क्या आ जाएगा 7-7 कॉमन है, ठीक ना, 7 8 56 749, ठीक ना, 700 स्क्वायर है 856, तो 7 कॉमन आ जाएगा दोनों में और 23 सब में रखना पड़ेगा। तो 23 इंटू 7 इंटू 8 रखिए, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे देगा, इसको इंटू करने पे ऐसे नहीं, इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करते। तो 23 क्या हो जाएगा 23 की पावर 1, ठीक, 56 क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 और 49 क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, जो कॉमन है सॉरी, ये मल्टीपल निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, इससे हम लोग उत्तम समवर्तक। तो इसमें क्या करते हैं, जो पावर है जो अनकॉमन है पहले तो उसको ले लीजिए, 23 आएगा और 8 आएगा ही आएगा। अब 7 और 7 स्क्वायर में आपको 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे ताकि उसका मल्टीपल निकले, है ना। तो 7 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक भाजक किसका है, ठीक ना, आपको भाजक निकालना है, मतलब आपको क्वेश्चन ये निकालना है, डिवाइडर निकालना है सबसे बड़ा। सबसे अधिक भाजक किसका है, मतलब कि संख्या में आपको सबसे ज़्यादा बताना है किसका भाजक आएगा। 11 नंबर 99 है, 101 का तो कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, 176 का भी आ सकता है और 182 का भी आ सकता है।
इसमें भी क्या करना है आपको, फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक ना। तो फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो देखने से ही लग रहा है ये दोनों का तो बात ही नहीं है। तो 11 और 3 स्क्वायर 99, चलिए कर लीजिए 3 स्क्वायर इंटू 11, तो 176 क्या आ जाएगा, 176 आ जाएगा आपका 2 की पावर। इसको देखिए 8 से डिविजिबल है, 8 दूनी 16 है ना, 16 8 16 से डिविजिबल, 16 से भी डिविजिबल, मतलब 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो 16 से डिवाइड कीजिएगा ये आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा इसमें, है ना, 11 से भी डिविजिबल। और 182 है, 2 फिर आएगा 7 फिर 13, ठीक ना। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इसमें आएगा, देखिए 4 प्लस 1 5, है ना, और टोटल इसके डिवाइडर कितने बचेंगे पता है, 4, मतलब इसके टोटल कितने, मतलब जिससे आप डिवाइड कर सकते हो, 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक। इसके बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके टोटल 8 बनेंगे डिवाइडर, इसके बनेंगे 5 इंटू 2 10 बनेंगे, इसके 10 बनेंगे, इसके 8 बनेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन है, कॉम्बिनेशन है, उससे निकलता है ये टोटल, इसके बनेंगे 10। तो ये सबसे ज़्यादा हो गया, ये नॉर्मल भी आप देख सकते हैं, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 है, तो छोटे कोण की माप क्या होगी, तो इस क्वेश्चन साथ में देख रहा है 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 है, तो छोटे कोण कितना होगा, तो 2 मतलब x1 प्लस x2 आपका 180 डिग्री होगा, ये आपको पता ही है, 2 संपूरक कोण का मतलब यही होता है। और छोटा है दोनों के बीच का अंतर, ये मान लीजिए x2 है कोई, तो x1 माइनस 20 है कोई, ये छोटा है, मान लीजिए x1 माइनस 20, टोटल कितना हो जाएगा, 2x1 माइनस 20 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x1 इक्वल टू 280 हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, आपको क्या बोला छोटा कोण, तो x1 की वैल्यू 100 आ गया, तो -x1 -20 80, इसका आंसर 80 2 आ जाएगा। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, और अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, आप देख लीजिए विद्यालय 70% छात्र लड़के हैं, तो 70% लड़के हैं तो मतलब कितना, 30% लड़की हो गई, 30% लड़की हो गई, और लड़कियों 30% लड़की वाकई में कितने, 240, मान लीजिए एक्स टोटल संख्या है उस विद्यालय की, तो एक्स टोटल संख्या है विद्यालय की, और 30% लड़की है, तो 30% ऑफ एक्स इंटू एक्स 240 के बराबर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये 8 कटेगा, 800 टोटल, मतलब टोटल बच्चे कितने 800, उसमें से 240 लड़की हो गई, तो वाकई में लड़के कितने हुए, 800 माइनस 240, तो 560 इसके आंसर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसे 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई से पूर्णतः मापा जा सकता है, मतलब आपको कोई मीटर लेना है, मीटर कोई बना रहे हैं आप, मतलब जैसे मीटर नहीं होता जिससे नापते हैं, वो बना रहे हैं, तो ऐसा मीटर होना चाहिए, वो इसको भी नाप ले, इसको भी नाप ले, इसको भी नाप ले, तो समझ रहे हैं, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ये बोल नहीं रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही करता है, वो सबसे बड़ी माप होती है जो सबको डिवाइड कर देती है, सब कोई नंबर, मतलब उसके बाद उससे डिवाइड कीजिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब ये समझिए मैथ में कोई आपको शेषफल नहीं बचेगा एक तरह से, समझिए और वो हाईएस्ट नंबर होता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई नंबर होता है, मतलब 10 को सबसे बड़ा किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं जिससे कोई कुछ भी नहीं बचेगा, पर 10 को 2 से भी डिवाइड, मतलब 2 नहीं है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 ही आएगा, क्योंकि 10 से उसको डिवाइड कर सकते हैं, पर 10 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि उसको 5 से 5 को भी डिवाइड कर दीजिए कुछ नहीं बचेगा, 5 को 10 से भी डिवाइड कीजिए कुछ नहीं बचेगा,
यहाँ पे 10 नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 10 से 5 को 10 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो ये वाला बात है यहाँ पे। तो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर और ये 7 मीटर है, ठीक ना। इस वाले में करना कुछ नहीं है, पहले इसको सेंटीमीटर सब में कन्वर्ट कर दीजिए मीटर को सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर भी सब सेंटीमीटर में दिया, 7 मीटर। अब देख लीजिए ये सब जो नंबर दिया है कौन डिवाइड कर सकता है, देखिए सब ये जो 7700 मीटर सेंटीमीटर आएगा है ना, इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं आप, कीजिए 25, 42 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 सत 42 42 आ गया मान लीजिए, तो 6 सत 42 तो 700 मीटर बटा 42 तो 6 सत 42 और यहाँ पर 100 बचेगा, तो ये तो डिविजिबल है नहीं, तो मतलब ये आंसर होने नहीं वाला। अब 15 को 700 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखिए 700 मीटर बटा 15, इसको ऑप्शन से कीजिएगा तो ज़्यादा जल्दी निकलेगा है ना, 15 30 15 60 प्लस 100 आ रहा है, इसको भी डिवाइड नहीं, 15 भी नहीं आएगा, 35 हो गया ये 35, तो ये तो डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये दोनों 700 को डिवाइड कर देना, तो इससे बात नहीं बचेगा। अब बनेगा देखिए दूसरे को देखते हैं, सपोज कीजिए हम 35 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 25 नहीं लेंगे 35 लेंगे, क्योंकि 25 देखिए बहुत ज़्यादा चांस होगा कि सबको डिवाइड करें, हम ऐसा नंबर अधिकतर ले रहे हैं जिसके पॉवर्टी कम है डिवाइड करने की, 42 सबसे कम पॉवर्टी थी किसी को, क्योंकि ये नंबर थोड़ा अपसेट है, 25 बहुत ज़्यादा चांस है सबको डिवाइड कर देगा, तो 35 को लेते हैं, तो ये क्या है 3.85 और 35 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो 385 यहाँ पर आ जाएगा, तो कोई बिंदु नहीं है, 385 है, तो 7 5 35 और ये क्या है 7 5 35 फिर 35, तो 11 बार में डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड कर दिया इसको और ये 700 मीटर को भी डिवाइड कर देगा 35, ठीक। अब 12 95 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 12 95 बटा 35, 7 5 35, सॉरी पिछले बार में गलती हो गया, 385 था बटा 35, तो यहाँ पे 5 आएगा 7 5 35 और यहाँ पे 5 आएगा, तो 11 का मतलब कट गया, उल्टा लिखा गया था पर सही है। अब यहाँ पे 12 95 बटा 35, 12 95 बटा 35, यहाँ पे 5 कीजिए, यहाँ पे 7 मरते आएगा तो 1 जाएगा, 7 5 9 8 56 35, ये कट जा रहा है ना, और ये 183 को आप 8 56 3 5 7 5 35, ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 35 सेंटीमीटर का आंसर है, क्योंकि ये तीनों को डिवाइड कर दे रहा है ना, ठीक ना, ऐसे कर, ये ज़्यादा शॉर्टकट पड़ेगा, अधिकतर चांस है कि बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली दिख ही जाता है, अदरवाइज उसका एलसीएम निकाल के वो कीजिए, वो तो है ही, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर दिस से विभाजित हो जाए, ठीक ना, उसमें से छोटी छोटी संख्या निकालना है जिसमें हम 7 घटाएंगे, ठीक है, 7 घटाने पर विभाजित हो जाए, ठीक ना, तो आपको क्या करना है, कोई नंबर आएगा इसका इस सभी से विभाजित हो जाए, मतलब कोई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने, हमने इसका मल्टीपल निकाला, लघुत्तम समावर्तक निकाला, ठीक ना, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला इस सभी नंबर का, ठीक, और क्या बोलेगा वो छोटे छोटे जिसमें 7 घटाने पर या उसमें 7 ऐड कर दिए, उसमें जो 7 ऐड करके जो नंबर आएगा वो एक्चुअली इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जो इसका कॉमन मल्टीपल वो तो इसी चीज़ को विभाजित कर ही दे रहा है, पर हमको क्या करना है वो 7 उसमें घटाना चाहिए, जो आंसर उसका 7 घटाइए वो डिविजन होना चाहिए, तो इसमें ये आया था। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मल्टीपल भी आ जाए, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही है फिर इंटू 2 कर दीजिए, फिर इंटू 3 कर दीजिए, ठीक ना, 3 कर दिए प्लस माइनस 7 कर दीजिए, मतलब उसमें प्लस 7 कर दीजिए, वो भी इसका आंसर है, ऐसा नहीं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही इसका आंसर है, कहने का मतलब मैं बताता हूँ क्या है, जैसे 12 16 18 21 28, देखिए 12 में क्या है 3 है 4 है, 16 में क्या है 4 है 4 है, 18 में क्या है 2 है 9 है,
इक्कीस में क्या है, तीन है, सात है, अट्ठाईस में क्या है, चार है, सात है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है, सात और नौ आ जाएगा और चार आएगा। चार एक और आ जाएगा, यहाँ से एक और चार आ जाएगा, फिर आ जाएगा तीन, फिर आ जाएगा आपका दो, नहीं यहाँ पे दो में चार हैं, ठीक है दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तो इतना का मल्टीपल कीजिए, तीन चार तीन बारह, बारह बारह चौका अड़तालीस, अड़तालीस इंटू 963, अड़तालीस 63 का मल्टीप्लाई कीजिए, छतरी 18, एक अठस 48, 49, 12, एक 24, 25, 9। यहाँ पे एक 9 है तो ये भी तीन छूट गया, एक और तीन आएगा, यहाँ पे नौ आएगा, बेसिकली नौ आएगा, है ना, नौ हमने लिख ही दिया यहाँ पे, है ना, नौ लिख ही दिया, तो एक तीन यहाँ पे नहीं आएगा। रुकिए इसको फिर से करते हैं, देखिए बारह में क्या है, बारह का फैक्टर इस तरह से लिख दीजिए, दो स्क्वायर तीन, 16 का क्या है, दो की पावर चार, 18 का क्या है, दो सी स्क्वायर, 21 का क्या है, तीन और सात, 28 का क्या है, चार टू की पावर स्क्वायर और सात, तो सबका हाईएस्ट हाईएस्ट पावर लेते हैं, देख लीजिए तो सात है, तो सात आ गया यहाँ पर, तीन का हाईएस्ट पावर कितना, थ्री स्क्वायर, ये आ गया, दो का हाईएस्ट पावर कितना, दो की पावर चार, फिर सात आ गया, सात आ गया, तीन आ गया, दो आ गया, बस ये इसको इंटू कीजिए, वही इसका आंसर है, प्लस सेवन करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 9 144, 144 इंटू 7 चौगा 28 2, ठीक ना, सात चौगा 28 2, सात चौगा 28 2 जीरो आ जाएगा, 29 30 सात तीन दस, एक जीरो जीरो आठ आएगा, एक जीरो जीरो आठ आएगा, पर एक जीरो आठ आंसर नहीं, इसमें से प्लस आपको सात करना पड़ेगा, तो एक जीरो जीरो पाँच है, पंद्रह इसका आंसर होगा। एक ग्यारहवा क्वेश्चन, वह संख्या क्या होगी जिसकी हर एक बटा चार है और अंश बारह है, हर एक बटा चार है तो दे रखा है और अंश बारह है, तो बारह अंश है और एक बटा चार हर हर है, तो अड़तालीस हो जाएगा इसका आंसर। तीन पाँच सात आठ नौ एवं दो का एक बार प्रयोग कर बनी छः अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो नौ पहले डालना पड़ेगा, और आपको क्या छः अंक, छः डिजिट दिया हुआ है, मतलब सबको एक एक बार प्रयोग करना, फिर उससे छोटा आठ है, सात है, पाँच है, तीन है, दो, और सबसे छोटा में मतलब करना है तो आपको दो से स्टार्ट करना पड़ेगा, दो तीन, मतलब इसका सीधा उल्टा कीजिए, पाँच सात आठ नौ, ये सबसे छोटा नंबर होगा, इस दोनों को माइनस कीजिए, नौ तीन आ जाएगा, आठ पाँच, आठ चार बारह, सात दूनी चौदह, पाँच एक छः, पाँच और सात, सात पाँच एक सात चार तीन, सात पाँच एक सात चार तीन, एक आंसर है इसका। तेरहवा क्वेश्चन है आकृति का परिमाप निकाले, परिमाप मतलब सबका क्या साइड दे रखा है आपको, सबको क्या करना, क्या ऐड कर देना है, तो सब देखिए कॉमन है, एक साइड ये सब बराबर है, तो एक को ऐड कर, एक को निकाल लेंगे और सबको इंटू चार कर देंगे हम, तो पाँच एक छः तीन नौ और तीन बारह एक तेरह और पाँच अठारह, अठारह इंटू चार करेंगे, बहत्तर आ जाएगा इसका आंसर, बहत्तर सेंटीमीटर। चौदहवा क्वेश्चन है ये करना है, ठीक ना, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो ऐसे मत कीजिए इसको, इसको ऐसे कीजिए,
इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 × 10⁻⁴। इसका रूट निकालिए तो 64 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, × 10⁻²। ठीक है, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.08। इसको ऐड करेंगे 0.09 आ जाएगा इसका। तो 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 को लिख सकते हैं 0.09 को लिख सकते हैं आप 0.09 को लिखिएगा 9 × 10⁻²। फिर इसका रूट निकालिए तो 3 × 10⁻¹ कितना हो जाएगा, 0.3 आंसर। अगर आप यूज टू है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे कीजिए तो एकदम एग्जाम में कि दिमाग काम नहीं भी करेगा तो भी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति कुल 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, जिसमें से वह इतना किलोमीटर साइकिल से, इतना किलोमीटर स्कूटर से और शेष दूरी पैदल तय करता है। कुल दूरी का कितना भाग वह पैदल चल रहा है, देखिए तो पैदल कहा गया, पैदल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये किलोमीटर साइकिल से चल रहा है, मतलब ये कितना है, बेसिकली ये 5/3 है। ये चल रहा है स्कूटर से तो ये कितना है, 60/6 है किलोमीटर। तो ये दोनों प्लस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 6 60+10, मतलब 70/6 किलोमीटर ये चल रहा है साइकिल और स्कूटर से। तो शेष भाग कितना हो गया, 3.5 - 17/6, तो 35 - 10 - 17/6, ठीक ना, 2 × 5 = 10, 8 × 5 = 35, 6 21 - 17, तो 4/6 मतलब 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। पैदल और कुल दूरी का कितना भाग हुआ, अब 2/3 ये वो पैदल चल रहा है ना, मतलब अभी इसमें और करना था, ये कितना भाग है, ये भाग निकालना है, ये आंसर 2/3 वो पैदल चल रहा है और टोटल कितना 35 सेंटीमीटर, तो ये कितना भाग होगा, 2/3 / 35 किलोमीटर ये भाग आ जाएगा। तो 2/3 × 10/35, ठीक है, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, तो 4/21 हो जाएगा आंसर, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के महत्तम समवर्ती और मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 231 है, यदि एक संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए एक प्रॉपर्टी होता है एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो दोनों दो नंबर का अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम और इंटू एचसीएफ वो दोनों नंबर का मल्टीपल हो जाता है। इसमें क्या देखा है, 231 दे रखा है, ठीक। और एक संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कुछ, तो 11 है इंटू दूसरा नंबर आ जाएगा, तो इसको 11 और 231 को डिवाइड कीजिए क्या हो जाएगा, 2 21, तो मतलब दूसरा संख्या क्या हो गया, 21 बच गया। सत्रहवां क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या जो जिस मतलब 41 से उसको डिवाइड किया जा सके, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 41 से पूर्णतः उसका विभाजन किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, अब इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या, डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक। वही इसका आंसर है। और ऐसे गेस वर्क कीजिएगा कि मतलब मान लीजिए इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, यह काम और कर सकते हैं आप, 5 अंकों की कोई संख्या बनाइए, कोई भी संख्या बनाइए आप मन से, ऐसा नहीं कुछ भी है, सबसे इजी संख्या सबसे कम वाला क्या होगा,
1,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, पाँचों में सबसे छोटी संख्या, 141 से डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो लास्ट में पता है कितना बचेगा, 37 आपको रिमाइंडर बचेगा। मतलब अभी बच रहा है 37, कहने के बाद इसमें चार और ऐड कर देता तो ये चार और होता तो ये 37 ना बचता, 41 हो जाता, ये लास्ट में कितना बचता, 41 बचता, तो मतलब डिविजिबल हो जाता तो 140। 10 परिणामों का औसत 27 है, यदि प्रत्येक परिणाम को चार कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए हमने पहले क्वेश्चन में किया था, औसत निकाला था, देखिए कोई नंबर है 10, 10 नंबर है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 10 किए तो उसका एवरेज आ गया कितना आपको 27। ठीक, कोई नंबर है 10 नंबर यहाँ पे हमने लिखा, अब 10 में क्या बोल रहा है, हर एक को पाँच चार कम किया जाए, मतलब हर एक को चार कम कीजिएगा तो 10 में तक टोटल कितना कम हो जाएगा, टोटल 40 कम हो जाएगा। ठीक, टोटल में से 40 कम हो जाएगा, अब इसका एवरेज क्या होगा ये निकालना हमें। ठीक, तो ये कीजिए टोटल सम, इसको थोड़ा अच्छे से कीजिए, टोटल सम बटा 10 माइनस 40 बटा 10, इसको थोड़ा तोड़े हैं तो ऐसे लिखाएगा मैथ में। और ये क्या दे रखा है आप, टोटल सम बाई 10, शुरू में 27 था तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4 तो मतलब कितना हो जाएगा, एवरेज भी 4 से कम जाएगा, 23 इसका आंसर आ जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तो सी का वेतन 25% है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, दिक्कत करना क्या है। ए का वेतन 40% बी के वेतन का 40% है, मतलब 40% इंटू बी, जो सी के वेतन का 25% है, जो सी के वेतन का 25% है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज गलत दिया है, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, जो सी के वेतन का, तो जी जो मतलब यहाँ पे क्या, बी के वेतन का 25% है, मतलब इक्वल टू 25% ऑफ सी, मतलब ये जो अमाउंट आया वो सी का 25% है ये बोल रहा है ये, या ये बोल रहा है कि जो बी है वो 25% है सी का। ठीक है ना, तो ये मान के भी कीजिए, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा करेगा ये, तो ये आएगा बी का जो, बी जो वेतन है मतलब ए जो है वो 40% है बी का, और बी जो है वो है 25% सी का। ठीक है ना, आपको ए और सी के बीच में रिलेशन, तो बी यहाँ पे रख दीजिए, तो ए कितना हो 40% मतलब क्या होता है 40/100, 25% क्या होता है 25/100, और आपको क्या निकालना है सी का कितना परसेंट है, तो एक सी है इतना आ जाएगा, इंटू 100 कट दीजिए तो सीधा परसेंटेज में निकाल लो, तो 100 से 100 काट दीजिए और 25 चौका 100, 10 बचेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा 10 बचेगा तो 10% हो जाएगा इसका आंसर, तो सी के रेस्पेक्ट में 10%। थोड़ा सा लैंग्वेज को सुधारना चाहिए, ये लैंग्वेज सही नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल मतलब कॉस्ट प्राइस 300 रुपये है, 16% हानि का पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने पढ़ा है विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस, माइनस करना पड़ेगा हानि है, तो 16% यहाँ पे करेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो 300। तो ये 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 16% हानि है और 300 रुपये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, तो विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, हानि है तो यहाँ पे 100 माइनस 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300 मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होता है। ठीक, तो ये कट गया, 3 बच्चा यहाँ पे, और ये 86, 100 माइनस 16 होता है 84 इंटू 3 तो 4×3=12, 2 बोला है लास्ट, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, 48 25 करने की जरूरत नहीं है, 2 आया लास्ट में, चेक कीजिए, 2 आया, हाँ 2 इसमें फटाफट मानिए निकल गया, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो चलिए 21वां क्वेश्चन अब देखते हैं, एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल दे रखा, चाल किस में निकालना है, किलोमीटर घंटा में निकालना है, तो 33 किलोमीटर है और 45 मिनट है, तो घंटा करने के लिए इसको क्या होगा था, 45/60 करेंगे तो ये घंटा बन जाएगा, ये घंटा बन जाएगा और ये किलोमीटर हो गया, तो यही स्पीड हमको निकालना था, सॉल्व कर लेते हैं।
11 तिया 33, 15 तिया 45, और ये 60 है ना, नीचे में क्या 60 था, तो 15 चौका 60 हो जाएगा ये, और ये 4 ऊपर अब आ जाएगा तो 11 चौका 44 हो जाएगा। कितने समय में 450 रुपये की धनराशि पर 4.5% दर की से 81 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। वो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इतना, और धनराशि आपका 450 रुपये, इसका मतलब क्या प्रिंसिपल अमाउंट आपका 450 रुपये, ठीक। तो इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है टी इंटू आर इंटू टी, टी यहाँ पे ईयर में होता है, साल में होता है, बटा 100, ठीक। तो क्या दीजिए, इंटरेस्ट आपका पहले ये दे रखा है 81 है, और प्रिंसिपल दे रखा है 450, आर दे रखा है 4.5, और टाइम निकालना है आपको, है ना, और 100 डिवाइड कर दीजिए, 81 इक्वल टू 450 इंटू 4.5 इंटू टी बट्टा 100। ये देखिए, ये सुनना गया तो यहाँ पे 1000 आ गया, तो ये सुनना से ये सुनना कट गया, तो 9 बचे 45 होता है, 5 यहाँ पे लिख दीजिए, ये 9 बचा, फिर 9 कट गया तो 5 यहाँ पे आ गया, तो 50 25 और 4 यहाँ पे बचा, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, इसका आंसर 4 साल, मतलब तो तीसरा इसका आंसर है। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3.4 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना, तो डायगोनल जो होता है ना, वर्ग का डायगोनल, वो विकर्ण का क्या मतलब हुआ, ये डायगोनल का बात कर रहा, ठीक। साइड होता है ए ए, तो ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री क्योंकि होता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर में ना, ये 90 डिग्री होता है, और ये हाइपोटेनस है, ये ए होता है, ये होता है, ए होता है, ए होता है, तो इसका साइड पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा रूट ए, है ना, रूट ए, और रूट ए का वैल्यू देखिए, ठीक, रूट ए आ गया। अब अनुपात 3/4 दे रखा है, तो देखिए दोनों का डायगोनल का, तो रूट 2 a1 बटा a1, मतलब पहले का साइड मान लीजिए, पहले पहले स्क्वायर का साइड a1 है, तो रूट 2 इंटू a2, ये 3/4 दे रखा है, तो रूट टू कट गया, तो a1/a2 3/4 आ गया। अब एरिया का होता क्या है, एरिया का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, a1 square / a2 square, कहने मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 मतलब 9/16, ठीक। चौथा आंसर का आंसर हो जाएगा 23 बार। दो वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:49 है, ठीक। यदि उसके यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर हो तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी। अब दो मतलब यहाँ पे सर्किल दे रखा है, उसके क्षेत्रों के क्षेत्रफल मतलब एरिया का रेशियो दे रखा है 16/49, ठीक। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या मतलब दूसरे का दे रखा है, रेडियस दे रखा है 14 मीटर, तो पहले क्षेत्र की रेडियस कितना होगी, ठीक है, बड़ा सिंपल है, तो इसको बड़ा करके करते हैं सॉल्व। तो क्या दे रखा था आपको रेशियो, एरिया का रेशियो, एरिया का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर वन मान लीजिए पहले सर्किल का आर वन है, तो पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 square इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/49 आ जाएगा, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पाई से पाई कट गया, तो R1/R2 हो गया, R1 square / R2 square, ये है 16/49, तो कहने का मतलब R1/R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7, क्योंकि इसका रूट निकालिएगा तो क्या आएगा 4/7, देखिए R1/R2 हो गया 4/7, R2 आपको दे रखा है, दूसरे का त्रिज्या दे रखा है 14 मीटर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा R1/14, 7 × 14 = 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा, पहले का रेडियस त्रिज्या हो जाएगा 8 मीटर। अब ये दे रखा है, मान निकालना है इसको, तो इसको सीधा सॉल्व करना है, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला है ऐसे, इसका जीबी का फॉर्मूला है, प्लस करना है, तो जीपी का फॉर्मूला होता है पहला नंबर डिवाइडेड बाय आर, इसका रेशियो क्या है, 2^3/2² = 2, देखिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, ए इंटू R^(n-1)/R-1, जहाँ पे ए क्या होता है पहला नंबर, मतलब यहाँ पे ये हो गया, रेशियो क्या है, दो के बीच का रेशियो, जैसे यहाँ पे क्या है 2^3/2²
स्क्वायर, तो टू इसका रेशियो हर एक का, इसका डिवाइडेड बाय इसको कीजिएगा तो उसका भी टू आ जाएगा, इसलिए सबका रेशियो सेम है, इसीलिए ये जीपी में है, जनरल प्रोग्रेशन है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो आर पता है, ए पता, एन एन नंबर होता है यहाँ पे, कितना, एक दो तीन चार, चार नंबर है। ठीक, तो इस फैमिली को इस में पुट कर देते हैं, या इस मतलब चार ही नंबर दिया तो इसको तो डायरेक्ट निकालिएगा, फट से निकल जाएगा, जो भी बात है इसको करते हैं टू स्क्वायर फॉर्मूला में इसे बनाते हैं। और रेशियो क्या है, टू, एन कितना था, चार था, माइनस वन, रेशियो क्या था, नीचे भी आ रहा था माइनस वन, तो चार इंटू ये 16 होता है, टू की पावर 4 16 होता है, तो 15 आ जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा, ये तो 15 चौका 60, इसका आंसर 4 आ जाएगा, 15 चौका 60। मैंने जनरल बता दिया, मान लो कल को 8 पूछ दे, तो 8 जब थोड़ा बड़ा होगा ना, और या दूसरा नंबर हो, दूसरा नंबर मान लीजिए इसी जगह 3 होता तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 3 का आपको 3 की पावर 5 आपको नॉर्मली याद नहीं रहेगा, है ना, 2 की पावर 5 नॉर्मली याद होता है, इसलिए मैंने जनरल बना दिया, जनरल प्रोग्रेशन से बना दिया इसे, ताकि आप अच्छे से बना लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन है एग्जाम में घुमा रहे बनेगा आपसे। शिक्षक विद्यार्थी, तो शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, चिकित्सक रोगी को देखता है ना, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 27 है, कौन सा बाकी तीनों से भिन्न है, एक किसान है, कृषि विज्ञान है, शिल्प विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है। तो देखिए, उद्यान, कृषि, शिल्प विज्ञान, ये सभी पढ़ाई से रिलेटेड है ना, किसान एक अलग चीज़ है, वो मतलब किसान है। ठीक, लड़का, लड़की, विद्यार्थी, नारियल, नारियल पेड़ है और ये सब सजीव चीज़ है, नारियल में भी एक अपना है, और वो समझ रहे अलग कैटेगरी का चीज़ है वो, विद्यार्थी ये सब इंसान में आते, ह्यूमन बींग है सभी। 5, 10, 15, 20, 25, 5-5 का बढ़ रहा है आपको, इसमें 5 बढ़ के, 5 बढ़ा इधर भी, 5 बढ़ा इधर भी, 5 बढ़ा इधर भी, तो फिर नेक्स्ट में 5 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसमें कुल कितने बढ़ गए, स्क्वायर आपको निकालना है ना, स्क्वायर निकालना है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल पूछता है कि 4 चतुर्भुज कितने, तो थोड़ा अलग होता है, तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, बस 7 नहीं, एक और आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा मैं बताता हूँ, 8 ये वाला आ जाएगा। देखिए इसका आंसर 8 हो गया। ठीक, 30 हो गया, 31वां क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मिलाना। ठीक, अब देखिए पहला नंबर है 15, तो 10 प्लस 5 की जगह 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, 10 प्लस 5 15 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे वो चीज़ नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे 10 प्लस 5 कीजिए 15 तो आ गया, पर दूसरे में देखिए 18 प्लस 2 20 नहीं बैठ रहा। ठीक, तो ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत। अब एक कम से कम से 15 माइनस 5 कितना हो गया, उससे भी नहीं हो रहा। ठीक, सभी को ऐड कीजिए, 15 5 10 डिवाइडेड बाई 3 कीजिए तो आ गया 10 20 30 डिवाइडेड बाई 3। एक बार और देख सकते हैं, यहाँ पे 15 प्लस 10 25 प्लस 5 इसका 30 योग आ गया, 10 प्लस 8 प्लस 12 इसका योग कितना गया, 30 आ गया। इसमें देखिए 60 प्लस 30, 60 प्लस 3 10 हो गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा आंसर। तो आंसर अगर 20 है इस ऑप्शन में तो मतलब सही है ये लॉजिक, तो दूसरे लॉजिक से भी ऐसा हो सकता है, कुछ कोई और लॉजिक लगता है, रेशियो का लॉजिक पूछने, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, पर यहाँ पे क्योंकि ऐसे लॉजिक सोचने से 20 आ गया, मतलब ये आंसर सही है। भले मतलब जब आंसर दे हो सकता है 15 को मान लें, मगर आप जब बोलिएगा 20 सही है लॉजिक के हिसाब से, इस तरह से लॉजिक, क्योंकि ये भी लॉजिकल चीज़ है, कुछ भी आंसर लॉजिक में थोड़ा उधर होता है, 19, 20, 25, 30 होता है। बी और सी की माता है और ए बी का पिता है, तो सी क्या है, देखिए बी सी की माता है, मतलब ये वुमेन है, गर्ल है समझ लीजिए, और मदर है, सी की माता है। ठीक, ए बी का पिता है और ए जो है ना इसका फादर है, बी का फादर है। ठीक, तो सी ए से कैसे, नाना नानी का रिलेशन है, ठीक ना, मम्मी की पापा हुए, कौन हुए, आपके मम्मी के ये पापा हुए, तो मम्मी के पापा क्या होते हैं, नाना कहलाते हैं। तो बच्चा क्या कहला गया, तो सी क्या है, ए का नाती हुआ,
नाना का रिलेशन यहाँ पे आ रहा है ना। एल एम एन ओ पी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। एल तथा एम एक साथ बैठे हैं। एन दक्षिण ओर बैठा है तथा ओ उत्तरी ओर बैठा पश्चिम की ओर मुख करके। तो पश्चिम किधर होता है आपका पता ही है, पूरा पश्चिम इस साइड में, मतलब सभी लोग इधर देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए इधर देख रहे हैं मतलब कि हो गया एल तथा एम एक साथ बैठे हुए, ठीक ना, कहीं भी आया एल एम एल एम एक साथ आ गया। ठीक, अब आ गया एन दक्षिण की दक्षिणी छोर पे बैठा हुआ। अब देखिए उत्तर दक्षिण मतलब एन सबसे लास्ट में बैठा हुआ, इधर एन बैठा हुआ ये पता चल गया। ओ उत्तरी छोर पे बैठा हुआ, ओ इधर बैठा हुआ और इसके बीच में सब भी आएंगे मतलब कि सब आएंगे। ठीक, बैठा पी एम तथा ओ का पड़ोसी है। पी और एम ओ का, देखिए एम ओ का पड़ोसी है, पहले तो बता दी एल जो और एम वो साथ में आ रहा है। पी जो है ना एम और ओ का पड़ोसी है, ओ का भी पड़ोसी होना चाहिए, एम का ही पड़ोसी होना चाहिए। पी आपका पड़ोसी कब है, दोनों पड़ोसी कब होता है, मतलब एक साइड में एम होगा एक साइड में ओ का होगा पी के। अब देखिए इसमें जो भी लिखे क्या एल हो गया बगल में ओ के, तो पर यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब यानी मतलब इधर एम होगा इधर एल होगा और बीच में आ जाएगा पी, ठीक ना। तो क्या हो गया, ओ एक पड़ोसी हो गया, एम एक पड़ोसी हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, एम पड़ोसी है ओ पड़ोसी है, एम पड़ोसी हो गया ओ पड़ोसी हो गया पी का, पी का। तो आपको देखिए यहाँ पर निकल गया आपका लगभग ओ हो गया पी हो गया फिर एम आ गया, और एम और एल साथ में बैठे हुए थे शुरू में हमने निकाल दिया था, और एन आ गया, फिर बचा कोई क्या पी एल एम एन ओ हो गया। अब देख लीजिए दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है, दूसरी छोर से एल है, ठीक ना, एल लगा तीसवा एल। एक निश्चित कोड भाषा में टेस्ट को ये लिखा गया है, तो कोड बल दिखाया गया, तो रोज को क्या लिखा गया देखिए, पहले वाले में टी है तो एस टी यू आ गया, टी के बाद सीधा यू आ, यू भी डब्लू एस टी यू भी डब्लू एक्स, ठीक ना, टी यू भी मतलब लास्ट वाले टी में, देखिए पहले वाले में तो नेक्स्ट नंबर सीधा आया तो आर एस आना चाहिए, ठीक ना, एस आना चाहिए, एस आना चाहिए, और लास्ट वाला जो है ना लास्ट में जो भी नंबर उसका दो एक छोड़ दो छोड़ के नेक्स्ट आना चाहिए। टी यू भी टी यू भी डब्लू तीन छोड़ के आना चाहिए, है ना, तीन छोड़ के एस टी यू भी डब्लू एक्स तीन छोड़ के एक्स आना चाहिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब ई एफ जी एच आई आना चाहिए लास्ट में। अच्छा यहाँ भी आई है, यहाँ भी वो देख लेना चाहिए, जितना मैं पहले ये दोनों है तो इसको चेक नहीं करना चाहिए, तो हमें दूसरा नंबर पर चेक करना चाहिए था, ठीक ना। तो अभी चेक कर लेते हैं, ई के बाद ई एफ जी एक छोड़ के आया, ठीक ना, एक छोड़ के तो एम एन ओ पी तीसरा आंसर इसका। 35वां क्वेश्चन क्या, ठीक है, अब आकृति के हिसाब से ऐसा आ गया। दिख रखा है कि ऐसा छेद कर दिया इसको, यहाँ पे एक चीज मिसिंग कर दिया, इसको दिखाना चाहिए था सही से, एक स्टेप मिसिंग कर दिया। यहाँ पे आपका कैसा बन जाएगा, इसके बाद आएगा तो ऐसा बनेगा, ठीक ना, छोटा सा, तो उसमें ये छेद कर दिया है तो ऐसा बन गया। ठीक, अब इसको खोलिएगा आप, ठीक, तो खोलिएगा तो ये जो पहले हम इस पर फोकस करते हैं, ये जो छेद है ये छेद ऐसे हो जाएगा पूरा, ठीक, और ये छेद ऐसे है, फिर इसको उल्टा किया तो ये छेद ऐसा भी दिखेगा ऐसा दिखेगा, तो ऐसा छेद कहाँ पे है, दो वाला छेद, मतलब दो छेद देखिए, ये छेद है ये छेद है, ठीक है, यहाँ पे बगल बगल में ये दो छेद है ये भी छेद है। अब बीच वाला छेद होगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है तो यहाँ तक गैप आ जाएगा, फिर ये बगल में गैप है सेंटर में गैप है तो सेंटर में ऊपर तक गैप आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ तक, तो मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा इसका चौथा। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है यदि विकल्प तो पूरा करना है। देखिए एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी, देखिए ऐसे करना है इसको, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्लू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ फिर जी आएगा और एच आएगा,
एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, वह अरेक चुनिए जो दिए गए संबंधित, ठीक ना। अब देखिए दाल है, खाद्य पदार्थ है, लकड़ी है। अब लकड़ी तो खाद्य पदार्थ कुछ है नहीं ना, दाल से लेते तो बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दाल क्योंकि खाद्य पदार्थ है तो उसके अंदर में आएगा, दाल एक खाद्य पदार्थ बड़ा सा बना दीजिए उसके अंदर में दाल आएगा, क्योंकि और भी चीज़ खाद्य पदार्थ होंगे, लकड़ी बाहर में आएगा, ठीक ना। तो कहना होता है एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दाल को हम खाते हैं तो कंप्लीट दाल खाने वाला होता है, ऐसा नहीं है बोलिए कंकर होता तो वो सब अलग चीज़ है, ठीक। अब देखिए ये किस में है, ये हमें निकालना है, ठीक ना। तो देखिए बहुत सारे में है, ये पहले में ही दिख रहा है आपका, ये है और ये है और सब में नहीं है, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 39 का। देखिए नाइफ है, KLMJKST आना चाहिए था ना, एस आ गया, एस वाला हो गया। और देखिए एन फिर आ गया नेक्स्ट में, NMN नेक्स्ट हो गया एन। यहाँ पे NON दो नंबर लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा, फिर लास्ट वाला चेक कीजिए वैसे चेक। सब ऐसे ऐसे हैं, GHIEFDELMKL हो जाएगा, इधर में किया जाएगा, तो ये आंसर है। 40वां है दर्पण को, ये भी तो इधर कीजिएगा तो क्या होता है, दर्पण जब लगाएगा तो सबसे उल्टा जब होता है ना नज़दीक वाला ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये डिस्टेंस सेम आएगा। और जो नज़दीक वाला चीज़ है, ये नज़दीक है वाइट है, तो ये नज़दीक में वाइट बनेगा, इधर में ब्लैक बनेगा, ठीक ना। तो नज़दीक में वाइट और ब्लैक वाला देख लीजिए कौन सा है, सब में नज़दीक में वाइट ब्लैक है, मतलब सब में नहीं, मतलब एक और दो में कोई आंसर होगा, ठीक। अब देख लीजिए, और इस सर्किल वाले में उल्टा है, उल्टा है, देख लीजिए पहले उल्टा किस में है, उल्टा देखिए इसमें ही है सीधा, देख ब्लैक नज़दीक में है, इधर भी ब्लैक नज़दीक में बनेगा ना मिरर इमेज में, तो इधर ही मिरर लगा हुआ है, ऐसे मिरर लगा हुआ, तो इधर ब्लैक नज़दीक में बनेगा, ठीक। ये था आपका 40 क्वेश्चन सेट नंबर 6 का, मैथ के 40 क्वेश्चन सेट नंबर 6 का। अभी तक हम टोटल मतलब 6 को सेट कर लिए। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होना है तो नीचे कमेंट कीजिए, कहीं और का क्वेश्चन है आपको मैथ का सॉल्व करवाना है तो उस नीचे क्वेश्चन डाल दीजिए, सॉल्व होगा। और ऐसे ही और वीडियो को और दूसरे सेट को पूरे 20 के 20 सेट को और दूसरे और प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे, इन सभी काफ़ी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व किया जाएगा इस चैनल पर। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, धन्यवाद।